सेवा करियो। भारत के नर नारी गौ माता की सेवा करियो, भारत के नर नारी क्यों सेवा करे? भाई चारो वेद बधाई करते विष्णु ब्रह्मचारी, चारो वेद बधाई करते विष्णु ब्रह्मचारी। गौ माता की सेवा करियो भारत के नर नारी, चारो गुणी लोग बताते हैं हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन सुनिए इस बात का भेद, 33 करोड़ नहीं है, कोई कहेगा 36 करोड़ है, 36 करोड़ भी नहीं है, ये 33 कोटि देवी देवता है। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, समझिए बात को, लेकिन संस्कृत में कोटि का मतलब प्रकार होता है, प्रकार, 33 प्रकार के देवी देवता है। इन 33 प्रकार के देवी देवता में पूरी प्रकृति के भगवान आ जाते हैं, चाहे वो गांव का भूमिया जी महाराज क्यों ना सही। सजनो, जितने मुख्य देवता है सब गौ माता में विराजमान है। कवि ने, दादा ने के खोल के बात बताई, सारे गौ माता में रहते, 33 मुख्य देवता हो बली बुरी न लहते, अरे उपनिषद और मन स्मृति छो शस्त्र कहते, गौ माता के हृदय के मारे सात समंदर बहते, गौ माता के शहद का दूध का कोई शहद का कोई मीठा को खारी, चारों पढ़ाई करके पढ़ाई करके। अब सुनिए आगे, अरे पीठ में वसा गौ माता की पीठ में, विश्वकर्मा का पीठ में वसा, विश्वकर्मा का पेट में संत कवारा, पूरा में वसा पूरा में वसा, लक्ष्मी जी का भेद बता दुसारा, पूरा में वसा लक्ष्मी जी का भेद बता दुसारा। अरे चारों थन दूध निकालते हैं भाई, चारों थन धर्म के खंबे बहती अमृत धारा, अग्न देवता करे ताड़ना क्योंकि गौ खाती है चारा, अग्न देवता करे ताड़ना है चारा, उसकी नाभि में बस सारी पृथ्वी, नाभि में बस सारी पृथ्वी, ना जाने दुनिया सारी, गणेश नाक में शिव शंकर मस्तक, गणेश नाक में शिव शंकर मस्तक, मस्तक वास करे अश्वनी कुमार, रहे कन्या में सुनने की ख्यास करे, भाई धर्मराज यमराज रहे सिंह में, यमराज रहे
सिंगा में दुख का नाश करे, चांद सूरज रहे सामने आख्या प्रकाश करे। कहते जब मनुष्य कोई जीव मरता है यमराज के दरबार में पहले जाता है, वहां फैसला होता है कि ये कौन से लोक में आत्मा जाएगी। अगर कुकर्म करे हो ये बात भी गवाह है, अरे गौ को जीवन में एक बार रोटी देने वाला भी पार उतर गया। भाई यमदूता नरक सुन के, यमदूता है सुन के गौ मद करेगी थारी, चारों ने लड़ाई करते जी। हर साल ये रागनी कह के सुनते हैं और ये रागनी को आप, मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा सबसे कलाकार के गैल पड़ जाए करो, ये रागनी जरूर सुनो करो गौ माता का प्रोग्राम। ये रागनी नहीं है, भजन नहीं है, ये समझो गौ माता की आरती है, उसके प्रत्येक अंग का विवरण है। देखो काम नहीं चल रहा, नुकसान हो रहा है, पंडित जी के जाओगे, पंडित जी पत्रा देख, और पंडित जी कापी किताब खोल के उल्टी सीधी लाइन बना के इन्हू कहेगा, ओहो तेरा तो शनिचर राहू में बढ़ रहा है, तेरा तो बुध खराब है, बृहस्पति खराब है, योग बिगड़ रहा है। सजनो एक मैं गौ माता की सेवा कर लेना, क्यों? क्योंकि सारे नक्षत्र ये सारे योग गौ माता के वश में है। पंडित जी फेल हो सकता है, ये गौ माता फेल नहीं होगी। के ज्यादा दन है अरे मंगल बुध शनिचर राहू, मंगल बुध शनिचर राहू, बृहस्पति तेज अकल में भेरू और मरीची रहते बगल पाया की हलचल में, और कंद सरस्वती, कंद सरस्वती कंठ में विष्णु, कंद सरस्वती कंठ में विष्णु, राहु के तू गल में ताट में वसा, ताट में वसा ब्रह्मा जी का जो सब ते भारी बले में, वरुण कुबेर साक्षी देते धन की देवी लक्ष्मी, और धन का देवता कुबेर, लक्ष्मी की पूजा करोगे तो लक्ष्मी आती है, और कुबेर की पूजा करोगे तो लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो जाती है। और वो सारी गौ माता में से सबकी में हमारे हिंदू धर्म में है, और हम बावड़े हो रहे हैं, कदे किसी देवता के जाएंगे कदे किसी देवता, एक गौ नहीं रख सकते। जिस दिन ये हिंदू ये सोच लेगा कि गौ को कम से कम एक गौ मेरे घर में होनी चाहिए, और जिस दिन मैं तो सच में ये कहूंगा जिस दिन ये गौशाले बंद हो जाएगी और ये गौ माता हमारे घर में होगी, उस दिन स्वर्ग बन जाएगा देश। आज गौशाला वाले भिखारी बन के झोली फैला के गौ माता के लिए चंदा मांगते, और कई आदमी नु कहेंगे अच्छा चंदा तो दे देंगे पर कोई कमाई है तेरी? सजनो जो गौ का खाले वो फिर कितने का नहीं रहेगा। और गौ के लिए दान कर रहे हो, ये आप अपना नहीं अपने आने वाली पीढ़ी का उनका भाग सुधार रहे हो, ये सच्ची बात है। क्यों भाई? वरुण कुबेर साक्षी दोनों, वरुण कुबेर साक्षी दोनों, अपनी बारी बारी पूछ में
पहले मेरे याद है, मेरे याद है हमारे गांव में लड़ाई होगी, लेन देन का मैटर था, कुछ रुपया दे लगा। अरे एक आदमी ने न्यू कह दी, मैं गऊ की पूछ पकड़ के गऊ भाई मन्ने इसके पीछे दे दिए, बेईमान ना करे। सारा गांव उस आदमी का नहीं हो गया, गऊ की पूछ पकड़ के आदमी धर्म खा के न्यू कह दे कि मैंने ये काम करा, अगर वो झूठी कसम खावेगा दुनिया में उसका नाश होता, बुजुर्ग ने देखा होगा। उस पूछ में भी एक देवता से कौन है ओके बताया। भाई पूछ में वसा शेष नागता, पूछ में वसा शेष नागता, अठू वसु फेरे दस दिग पाल रहे पाया में, गौ आगे कदम धरे भाई। गंगा जल गौ का मुत्तर, गंगा जल गौ का मुत्तर, गौ मुत्र को बहुत से आदमी ने उसमें सोचना गंदा है। रामदेव ने करोड़ों रुपये कमा लिए गौ मुत्र बेच बेच के। सुनिए आखिर कली में कवि ने क्या लिख दिया। भाई गंगा जल गऊ का मुत्तर, सत बंदे घूत भरे से, कह लक्ष्मी चंद, कह लक्ष्मी चंद वे पार उतर गए, कह लक्ष्मी चंद वे पार उतर गए, सेवा जो गऊ की करे से। अरे जिस घर में हो गौ माता, लोग जिस घर में हो गौ माता, उड़क देना आवे ब्रह्मचारी।